Hello dear students, welcome to this solution series for CSIRNet June 2021. So this is your problem number 61. It is from real analysis. Let us have a look on this problem. Let AN and BN be two sequences of real numbers. E and F be two subsets of R. Let E plus F is defined as this. Assume that the right hand side is well defined in each of the following statement. Which of the following statements are true? तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन एग्जाम का है इसमें थोड़ा सा क्या है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज लिख दी गई है और वो है लिमसुप। तो किसी सेट के लिमसुप का क्या मीनिंग है ये क्वेश्चन पेपर ने डिफाइन नहीं किया था, इस वजह से हम इस ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमसुप ऑफ अ सेट इट इज नो वे डिफाइंड इन एनी बुक, therefore they should mention that if they are writing limsup then what is the meaning of this. So second option hum solve nahi kar sakte hain kyunki ye question paper ne define karke nahi diya tha ki limsup kisi set ka kya hota hai. All right, aapko pata hai ki koi sequence agar aapke paas hai to us sequence ka aap limsup liminf dhoond sakte ho, hai na, sequence hai aapke paas, chahe wo sequence of real numbers ho chahe wo sequence of sets ho, to sequence of sets ka limsup aur liminf to dhoonda ja sakta hai, बट किसी एक सेट का जो कि फिक्स्ड है वो एक सीक्वेंस नहीं है तो उसके लिमसुप और लिमइन्फ का क्या मीनिंग है ये हम नहीं जानते। दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट, और वो क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि राइट हैंड साइड इज वेल डिफाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस बात का मतलब है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इनफाइनाइट हो रहे हैं। ठीक है, तब जाकर आपसे ये बात चल रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है जब भी लिमसुप लिखता है ऐसे डायरेक्टली तो इट मींस कि वो चाह रहा है कि इन्फिनिटी नहीं आ रहा होगा, तब जाके वो इस बात को कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट इसके लिए लिखेंगे। सो ये दो वो नोट हैं जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि टू और फोर को तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड को ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल टू लिमसुप ऑफ ए एन प्लस लिमसुप ऑफ बी एन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बात एक्चुअली करेक्ट है। हालांकि हमने ये सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंसेस के लिए लिखा है रिजल्ट, क्योंकि फॉर बाउंडेड सीक्वेंस इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रूव, है ना। बट अनबाउंडेड भी अगर सीक्वेंस है, हालांकि मैं अनबाउंडेड वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर लिमसुप इनफाइनाइट आ रहा है तो भी जाकर क्या होगा, तो भी आपके पास ये दोनों चीजें होल्ड करेंगी। बट क्वेश्चन कह रहा था कि वो वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, तो तब जाकर आप इस डायरेक्टली इस फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो कि राइट है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है। नाउ अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन की जो इनइक्वालिटी है वो जस्ट रिवर्स है जो जिस इनइक्वालिटी को हमने लिखा है उसके। दैट इज वाई हम इसको डायरेक्टली अभी फिलहाल के लिए इनकरेक्ट मार्क कर रहे हैं। बट आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सीक्वेंस ए एन है उसे मैंने ऐसा लिखा, देखो -1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो -1 1 -1 1 -1 1 एंड इस तरीके से जो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है। नाउ बी एन का जो नेचर है वो ऑल्टरनेटिंग ही मैं रखूंगा, बट उसका पहला टर्म प्लस रख दूंगा, तो उससे क्या होगा कि जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास जो क्वांटिटी है ए एन प्लस बी एन वो हमेशा जीरो आने वाली है। तो अगर आप ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस को लिख रहे हो तो वो कितनी आएगी, 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। अब आपने इसका लिमिट निकालना है। आप क्या जानते हो कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन क्या होता है कि आप डायरेक्टली कह सकते हो कि उसका जो लिमसुप है वो बिगेस्ट लिमिट पॉइंट है और लिमइन्फ स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है। तो लिमसुप इसका क्या होगा, जीरो, लिमइन्फ इसका जीरो होगा। तो दैट मींस एलएचएस में आपके पास थर्ड ऑप्शन को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, एलएचएस में जीरो आ जाएगा। नाउ आरएचएस अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका लिमइन्फ क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, तो दैट मींस -1। इसका लिमिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, दैट मींस -1। सो -1 -1 -2 आ गया। तो क्या एलएचएस छोटा है -2 से, नहीं, ऐसा तो नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बाकी सेकंड और फोर्थ को मैं कुछ भी मार्क नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज जो है वेल डिफाइंड नहीं थी। ऑलराइट, सो थैंक यू।